नमस्ते दोस्तों, मैं किरण माहेश्वरी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूंग की दाल का हलवा घर पे कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है मैं आपको बताती हूँ। धुला व मूंग का मोगर, घी, शक्कर। सबसे पहले कोई भी एक बाउल लें, वो दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दें। दाल को भीगते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, दाल भी फूल कर रेडी हो चुकी है। इसका पूरा पानी निकाल दें और इसे मिक्सी में बारीक पीस लें। इसमें बिल्कुल कम पानी डालकर पीसें। मैंने दाल को पीस कर रेडी कर लिया है। सबसे पहले कोई भी एक कढ़ाई लें, उसे गैस पे रखें। इसमें 1/4 कटोरी घी डाल दें। पीसी हुई दाल को इसमें डाल दें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए सेकें। वही शादी पार्टियों में जो आप खाते हैं ना, वही दाल का हलवा आज आपको मैं बना के बताऊंगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। बिल्कुल वही दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला हलवा मैं बता रही हूँ आपको। इसे लो टू मीडियम आंच पे चलाते हुए सेकें। कंटिन्यू चलाते हुए सेकते रहें। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होती है सेकने में, बाद में तो आराम से सिक जाता है। मुझे इसे सेकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। दाल ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इसके दाने पूरे खुलने लग जाएंगे। अभी से 2 से 3 मिनट और सेकना है, हल्का बादामी कलर हो जब तक सेकें। इसको गुलाबी होने तक सेक लें। इसमें अच्छी खुशबू भी आने लग चुकी है। सर्दियों में दाल का हलवा किसे पसंद नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। फ्रेंड्स, ये हल्का बादामी कलर का हो चुका है और दाने दाने इसके खुल चुके हैं और अपना घी भी छोड़ दिया है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए सेकें। मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको सेकते हुए। सिक्का रेडी हो चुका है, गैस बंद कर दें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है। सिकी हुई दाल को साइड में रख दें। कोई भी एक पतीला लें, उसे गैस पे रखें, उसमें 1 कटोरी शक्कर डाल दें, 1.5 से 2 कटोरी पानी डालें। जितनी आपने दाल ली है उतनी ही शक्कर लें। मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, 1 कटोरी शक्कर लें और 1 कटोरी घी। उसे कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट कर लें। मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, कुछ केसर के धागे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पिघलाएं।
हमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी, हल्का चिपचिपा हो जब तक ये उबालना है इसे। और इसमें हल्का सा येलो फूड कलर डाल दें, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, ज्यादा ना डालें। चाशनी में उबाल आ चुका है, इसे कुछ सेकंड के लिए उबालें। फिर से दाल को इस पे रख ले जो सेकी अपन ने। धीरे धीरे चाशनी को इसमें डालते जाएं। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है, बिल्कुल वही जो आप शादी पार्टियों में खाते हैं वही हलवा बनकर रेडी होगा। आप एक बार जरूर बनाएं। पूरी डाल दें और इसे कुछ सेकंड के लिए चलाएं। दाल का हलवा बनकर रेडी हो चुका है, इसने अपना घी भी छोड़ दिया है। गैस बंद कर दें। मैंने इसे प्लेट में ले लिया है, मैं इस पर कुछ पिस्ता डाल रही हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बिल्कुल दानेदार बनकर रेडी होता है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल वही शादी पार्टियों वाला, बिल्कुल दानेदार। आप इसे एक बार जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।